वालेकुम अस्सलाम। आज हम कौन सा मज़मून पढ़ रहे हैं? रियाजी। रियाजी मज़मून में कौन सा मौजू पढ़ रहे हैं? ज़ुर्बतुल इज़्ला का पढ़ना और लिखना। ज़ुर्बतुल इज़्ला किसे कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा, बोर्ड पर कौन सी तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है? घड़ी की तस्वीर है। आपने घड़ी को देखा है, रोजाना आप घड़ी को देखते हो, तो उसकी सुई किस तरह से चलती है? एक, हाँ, इस सिमत में चलती है, एक से शुरू। वेरी गुड। इस तरह से तो हमको ज़ुर्बतुल इज़्ला को पढ़ना और लिखना सीखना है, तो हम इस ज़ुर्बतुल इज़्ला को घड़ी की सुई की सिमत में पढ़ेंगे। जैसे कि वहाँ इस ज़ुर्बतुल इज़्ला का नाम किस तरह से पढ़ेंगे? अगर घड़ी की सुई की सिमत में नाम पढ़ेंगे तो शाबाश, ए डी सी बी ज़ुर्बतुल इज़्ला। हाँ, बी ए डी सी, वेरी गुड। क्या हम ए सी बी डी इस तरह से उसका नाम पढ़ सकते हैं? नहीं, हमें उसको घड़ी की सुई की सिमत में ही पढ़ना है, या फिर हम घड़ी की मुखालिफ सिमत, जिस तरह से नीचे की तस्वीर में बताया हुआ है, ए बी सी डी। हाँ, ये मुखालिफ सिमत हुई। घड़ी की सिमत किस तरह होती है? इस तरह। और मुखालिफ सिमत किस तरह है? वेरी गुड। तो हम घड़ी की मुखालिफ सिमत में भी पढ़ सकते हैं। उसको किस तरह पढ़ेंगे? इस ज़ुर्बतुल इज़्ला को पढ़कर बताओ। ए डी सी बी। और ज़ुर्बतुल इज़्ला हम बार बार ना लिखते हुए उसे हम मुख्तसर में एक छोटा सा ज़ुर्बतुल इज़्ला बनाकर लिखेंगे, जिस तरह से बोर्ड पर बना हुआ है, ए डी सी बी। उसी तरीके से दूसरे ज़ुर्बतुल इज़्ला का दूसरा नाम किस तरह से पढ़ेंगे? हाँ, इसे तस्वीर में पढ़कर बताओ, डी सी बी ए। वेरी गुड। उसको लिखेंगे किस तरह हम? शाबाश। अब उसी तरीके से तीसरा और कौन सा था? ये दोनों भी जो है वो घड़ी की सुई की सिमत में है, ए डी सी बी। बताओ इस ज़ुर्बतुल इज़्ला में ए डी सी बी, बताओ मुझे इस शक्ल में, ए डी सी बी पहला वाला। हाँ, और अब हम उसको घड़ी की मुखालिफ सिमत में किस तरह से लिखेंगे? वेरी गुड। ये जो तीसरा जो है वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में। ए बी सी डी लिख कर बताओ उसे लिखेंगे किस तरह? अब चौथा वाला हम किस तरह से पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे उसको? वेरी गुड। और लिखेंगे किस तरह? वेरी गुड। इसी तरह से हम ज़ुर्बतुल इज़्ला को पढ़ते और लिखते हैं।